मैंने उसको पानी को अनॉइंट नहीं किया, उसका अभिषेक नहीं किया, उसको यीशु के ब्लड में नहीं बदला, जैसे कहते यीशु मसीह तेरे नाम से ये पवित्र लहू बन जाए, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया, मैंने तो बस कहा ये मेडिसिन बन जाए, क्योंकि ये मुझे परमेश्वर ने कहा। सिस्टर का नाम जस्सी है और जे तुरकोर गांव के रहने वाले हैं और अभी जे सिस्टर सिंगापुर में है और जे सिस्टर के हस्बैंड है और इनकी गवाही जे बता रहे कि आज से 12 साल हो चुके थे कि इनको पत्थरों की प्रॉब्लम थी, जे बता रहे कि कभी पत्थरियां निकल भी जाती थी और किसको कभी प्रॉब्लम थी, किसको इनके हस्बैंड, ठीक है बोलो, और जिसके कारण जे बता रहे कि जे बहुत परेशान थे, इन्होंने बहुत ज्यादा देसी अंग्रेजी मेडिसिन भी खाई, बहुत ज्यादा इन्होंने मेडिसिन खाई, जो बता रही कि कोई फर्क नहीं पड़ता था, इन्होंने लिक्विड सिरप की बोतल्स भी पी और डॉक्टर ने कहा था कि जो सिरप है इसको पीने के बाद दोबारा पथरी की प्रॉब्लम नहीं होगी, और इन्होंने बताया कि इन्होंने 20 से 30 हजार पिया भी लगा दिया पर फिर भी कोई भी फर्क नहीं पड़ा और जो बहुत परेशान थे, पर जैसे जो सिस्टर विश्वास करते थे और इन्होंने बताया कि जो विश्वास में बने रहे और कि परमेश्वर इस प्रॉब्लम से इनको आजाद कर चुके हो, और जो सिस्टर ने बताया कि इस 30 मार्च को इनके हस्बैंड के बहुत ज्यादा फिर से पथरी की दर्द हुई, इनके पेट में बहुत ज्यादा दर्द शुरू हो गई जिसके कारण जो बहुत प्रॉब्लम में थे, और जैसे ही इस सिस्टर की बात प्रभु के दास के साथ हुई और जैसे इन्होंने बताया कि प्रभु के दास ने इनको बोला कि आप एक पानी का ग्लास लें, और जैसे ही परमेश्वर के आत्मा ने प्रभु के दास को अगुवाई की और उन्होंने इनको बोला कि जो शब्द इनके पीछे बोले, और जैसे उन्होंने शब्द बोले कि प्रभु जी आपके नाम का मतलब है छुटकारा, और जैसे इस पानी को आपके मेडिसिन उस औषधि में बदलते हैं, और जैसे इन्होंने इस वर्ड को रिसीव किया और धन्यवाद कर इस पानी को अपने हस्बैंड को दिया, और इन्होंने बताया कि जैसे उन्होंने उस पानी को पिया सुबह इनको बाथरूम के राही जो इनकी पथरी थी वो बाहर आ गई, अभी हम उस पिक को देखेंगे, और आज ये बहुत धन्यवाद करते कि जैसे जो शब्द परमेश्वर की ओर से आए थे उन्होंने विश्वास किया रिसीव किया, और उसी समय दर्द से भी परमेश्वर ने अच्छा किया और इस पथरी से भी परमेश्वर ने पूरी तरह से इनको छुटकारा दे दिया, इस गवाही के लिए जो परमेश्वर का धन्यवाद करते हम सब तारीफ। सुनो 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 सुनो, एक चीज, ये पानी की बात सुनकर लोग चौंक जाती, हाँ जैसे कुछ लोग ऑनलाइन करते ना पानी को, ऑनलाइन मतलब समझ रहे, उस पर प्रार्थना करके उसको अभिषेक में यीशु के लहू में बदलते हैं, ऐसा कुछ नहीं, बोलो क्या ही? क्योंकि ये सिर्फ एक रीति, ये पवित्र आत्मा की बात है कि अगर मैंने पानी में मैंने कहा कि आप ऐसे कहो, बोलो क्या ही? ऐसा ना हो कि कुछ लोग समझें कि हाँ पानी से काम जल्दी होता है, नहीं, पवित्र आत्मा की बात को पकड़ो, क्योंकि जब भी परमेश्वर मुझे कुछ भी बोलता है मैं करता हूं, क्योंकि एकदम से जब इन्होंने कहा बहुत दर्द है वो तड़फ रहे हैं, तो मैंने एकदम से पवित्र आत्मा की ओर से मेरे मन में एक चीज आई कि एक पानी का ग्लास, कोई प्रार्थना नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई वचन नहीं, समझे, और उस प्रार्थना को कोई अनाइंट नहीं किया, मैंने कुछ चीजें कही कि आप ऐसे ऐसे बोलो कि यीशु प्रभु आपके नाम का मतलब छुटकारा, और इस पानी को मैं ऐसे कुछ शब्दों के लिए मैंने कहा बोलो कि ये पानी यीशु मसीह तेरे नाम से ये एक मेडिसिन बन जाए, ये एक औषधि बन जाए, एक ऐसी दवाई बन जाए, जब मैं पीऊं और वो अंदर जाकर काम करे मुझे क्या मिले, छुटकारा मिले, मैंने कहा ऐसे करके, कहता मुझे मैं इतने शब्द भूल जाऊंगा बोलने के लिए कैसे बोलूंगा, तो मैंने कहा ठीक है फिर आप मेरे पीछे बोलो, क्या बोलो, मेरे पीछे पीछे बोलो, तो मैंने ऐसे कहा कि बोलो यीशु मसीह के नाम से, यीशु तेरा नाम का मतलब है छुटकारा, और इस ये पानी है जो यीशु मसीह तेरे नाम से, बोलो क्या है, यीशु मसीह तेरे नाम से ये मेडिसिन में तब्दील हो जाए, किसमें तब्दील हो जाए, सुनो मेरी तरफ देखो ध्यान से, बैठ जाओ उनको बोलो बैठ जाओ यहीं पे, मैं कह रहा हूं मेडिसिन में क्या हो जाए, तब्दील हो जाए, मेडिसिन में तब्दील, और मैंने जैसे कहा और मैंने कहा पियो, धन्यवाद करके पियो,
जैसे पिया सवेरे पत्री बार। सुनो एक एक पॉइंट नोट करो, मैंने उसको पानी को अनॉइंट नहीं किया, उसका अभिषेक नहीं किया, उसको यीशु के ब्लड में नहीं बदला, जैसे कहते यीशु मसीह तेरे नाम से ये पवित्र लहू बन जाए, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया, मैंने तो बस कहा ये मेडिसिन बन जाए, क्योंकि ये मुझे परमेश्वर ने कहा। नहीं नहीं बोलते तो फिर मैं प्रार्थना करता जा, कोई वचन बताता, अब पवित्र आत्मा ने मुझे बोला कि इसको ऐसे बोलो, क्योंकि परमेश्वर जानती है, क्योंकि ये जो इस सिस्टर का जो पति है उसका विश्वास तो बहुत है, अभी उसे इतना टाइम भी नहीं हुआ, उसे भी इतना टाइम नहीं हुआ, पर उसका फेथ उसका मन परमेश्वर पर बहुत है। पर इसका उसके हस्बैंड को भी पता है, ये जीसस पर विश्वास करती है, उसको भी पता, वो भी विश्वास करता है, मगर इतना नहीं कर, इतना फेथ नहीं उसके अंदर, बोलो मैं इतना विश्वास नहीं है, तो मुझे पता है परमेश्वर भी जानता ना कि ये बंदा कितना मेरी सच्चाई को जानता है, तो उसे पता है कैसे काम करना है, बोलो क्या है, परमेश्वर को पता है उसको कैसे काम करना है। इसलिए जैसा परमेश्वर ने मुझे अगुवाई की कि इसको ऐसे बोलो, जैसे इन्होंने उस पानी को मेडिसिन के मैंने कहा बोलो, तो वैसे किया, देखो पत्थरी बार तड़फ रहा था बंदा, आज बिल्कुल फ्री है, कोई दर्द नहीं, कोई कुछ नहीं, हाँ उस दिन से ही और आज तक, कितनी कितनी 30 मार्च, आज कितनी डेट है, हाँ कोई कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दर्द नहीं, कई दिनों से ये बंदा मेडिसिन खा रहा है, मेडिसिन का दर्द होती फिर शुरू, फिर खाली मेडिसिन, फिर शुरू, फिर ऐसे ही चल रहा है, ये पूरी तरह टोटली फ्री है, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई कुछ नहीं है, पूरी तरह से परमेश्वर ने फ्री किया है। तारीफ करो जोर से, दुखिया ते बीमारा दा यसु बनिया बेली, 12 साल दी रोकणी ओदी बन गई चेली।